Hello students, this is our lecture about 7 C's of communication. In our previous lecture we have discussed about different types of report, like informal report, formal, and visibility and recommendation reports. This lecture belongs to 7 C of communication. And we will discuss what are the 7 C's of communication. Also, these lecture led us to presentation, and we will discuss how to give an effective presentation. What are the do's and don'ts of presentation? The lecture outline is first we will introduce about the topic, then the what we will discuss about the 7 C's, and then the conclusion. ये जो basically हमारा lecture होगा ये focus करेगा 7 C's के ऊपर, और हम देखेंगे कि ये जो 7 C's हैं वो basically हैं क्या. But उससे पहले एक हमें इस चीज़ को देखना है कि कम्युनिकेशन जो है वो चाहे आपके रिटन हो, वर्बल हो, उसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट 7 ट्रेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं. हम पॉइंट बाय पॉइंट इन सब को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी एंड करेक्टनेस, दीज ऑल आर दिस बेसिकली द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. एंड अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये सब आपकी कम्युनिकेशन के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मे बी you cannot deliver your message properly. और अभी जब हम discuss करेंगे तो basically उसके अंदर हम with example discuss करेंगे. और हर एक जो इसका ट्रेट है उसको इन डिटेल देखेंगे. सबसे पहले हम कंप्लीटनेस को देखेंगे, कंप्लीटनेस क्या होती है और ये क्यों नेसेसरी है. उसके बाद हम कंसाइजनेस को देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंसिडरेशन. देन वी हैव द कंक्रीटनेस, और कंक्रीटनेस चाहे वो फ्रेजेस में हो, सेंटेंसेस में हो, आपके पैराग्राफ्स में हो, इवन इन योर लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, it is important. After that we will discuss clarity, kyunki clarity bahut important ek trait hai. Reason ye hai ki jab tak aap kisi ko clear information convey nahi karte to kya wo jo message aap deliver karna chahte the kya wo ho gaya hai ya nahi. उसके बाद हम कर्टेसी को देखेंगे, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द करेक्टनेस पोर्शन. तो सबसे पहले हम अभी फोकस करेंगे करेक्टनेस, सॉरी कंप्लीटनेस के ऊपर. जैसे इसका यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीटनेस के, अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर जाएं कि कंप्लीटनेस बिलोंग कहाँ से करती है, तो बेसिकली मैसेज रिसीवर्स आइदर लिसनर्स और रीडर डिज़ायर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू देयर क्वेश्चन. कम्युनिकेशन के अंदर ये एक थंब रूल है, whatever we want to communicate, चाहे वो हमारे listeners के through हो,
यानी जो है वो कम्युनिकेशन, या जो है वो इन रिटन यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों की, उसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारी ऑडियंस की टाइप क्या है, और जो हम जो है वो क्वेश्चन डिलीवर करना चाह रहे हैं उनको, तो क्या हमें जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट गिवन है या नहीं। तो कुछ गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग कंप्लीटनेस। सबसे पहले है प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये एक थंब रूल है। आप जिस भी टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो चाहे वो रिटन हो, और जनरली अभी हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको जितनी भी मैंडेटरी रिक्वायर इंफॉर्मेशन है वो सब आपके, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो मेमो हो, चाहे रिपोर्ट हो, इनफॉर्मल इनफॉर्मल या फिजिबिलिटी या रिकमेंडेशन रिपोर्ट, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, और रिमेम्बर वो इंफॉर्मेशन जो आप ऑथराइज हैं किसी को देने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि वॉट एवर यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, ओनली वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो आप जो है वो आपको कन्वे करनी है। रीजन इज दैट कि जब भी इंफॉर्मेशन जो है वो हाफ होगी या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो भी जो है वो आपको बियर अप करने पड़ते हैं। रीज़न ये कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन, मैं कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर मैंने अगर डेटा मंगवाया था, या रिकमेंडेशन रिपोर्ट बना रहा हूँ और मैंने डेटा मंगवाया था किसी भी वेंडर से, लाइक कोई मैंने डिवाइस, कोई मैंने पीएलसी खरीदनी थी। अब जस्ट इन केस इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए और इस पॉइंट को थोड़ा सा सोचिए कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं मिलेगी, तो क्या मेरी रिकमेंडेशन रिपोर्ट उतनी ज़्यादा अच्छी बन सकेगी या नहीं? क्या मेरी रिकमेंडेशन के अंदर वो वेट होगा या नहीं? तो इस चीज़ को देखते हुए हमें जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए। उसके बाद है आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, ए स्टेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चनियर, इम्प्लाइड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चनियर। जनरली जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आपको, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो इनके आपको आंसर्स पूरे करने चाहिए। जनरली अगर आप कोई क्वेश्चनेयर फिल करते हैं या इस तरह की चीज़, तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। वन इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड द अदर वन इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। द ओपन एंडेड क्वेश्चन इज़ जस्ट लाइक कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया और नीचे आपने जो आपको मतलब स्पेस दे दी गई कि आप खुद अपने ख्यालात जो हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंडली जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्लोज एंडेड, यानी आपको ऑप्शन दे दिए, और ऑप्शन कौन से, जस्ट लाइक आपको एमसीक्यूज में मिलते हैं कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए, अब क्या हो गए, आप उस बाउंड्री के अंदर अब आपको रहना है, अब आप उस बाउंड्री से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। रीज़न ये है कि अब आपने उसी बाउंड्री के अंदर आपको वो सवालों के जवाब देने हैं। तो ये जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है आपका क्लोज एंडेड से। उसके बाद है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, कि वो चीज़ जो कि डिज़ायरेबल है और आपको लगता है कि ये आपको देनी चाहिए, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, बट आपको उसकी प्रायर जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो आप सबसे शेयर नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अगर ऐसा डेटा आप सब कुछ जो है वो, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करते रहेंगे, तो मे बी वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आए। तो जो भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन लें तो वो या शेयर करें, तो उसने उसके अंदर जो है वो आपने लाजमी तौर पर ये चीज़ रखनी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो आपने ऑलरेडी उसकी परमिशन ना ली हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो एक कंप्लीटनेस की तरफ आप जाते हैं, और रीज़न ये होता है कि आपने सारी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, कंप्लीटनेस के अंदर एक थंब रूल है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और हमने जब पहले भी इसको देखा था तो हमने ये चीज़ देखी थी, जस्ट लाइक वी हैव द 5 W's, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर और अ मेमो अबाउट अ स्पेसिफिक फील्ड, सो इफ आई एम गोइंग टू आंसर दीज 5 क्वेश्चन, हु, वेन, वेयर, वाई एंड वॉट, सो इट विल बी ईजी फॉर मी टू डिलीवर माई मैसेज क्लियरली, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर माई मैसेज, मे बी सम ऑफ द पॉइंट विल रिमेन। सो ये जो 5 आपके पास जो है वो W's हैं, जो जिनको कहते हैं कि 5 जो D's हैं, जो 5 W's हैं, वो बेसिकली क्या है, हु मतलब कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्या वो जो है वो इतनी मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जनरल मैनेजर से शेयर करने जा रहा हूँ तो अगेन मेरा राइटिंग स्टाइल चेंज होगा, मेरी इंफॉर्मेशन की जो सिवेरिटी है वो चेंज होगी, मैं देखूँगा कि उसके अंदर जो है वो किस तरह से मैंने उसको मैनेज करना है। देन व्हेन कि कौन सा जो है वो लेटर जो है या कौन सा मेमो जो है वो कब कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद वेयर कि कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और रीज़न ये है कि वाई, यानी आपने ये जो मेमो या रिपोर्ट, वट एवर यू आर राइटिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, वट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट। तो अगर वो रीज़न आपको पता है तो मे बी कुछ आपकी रिपोर्ट्स, लेटर्स और इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो बड़ी क्रिटिकल होती हैं, और उनके अंदर ये कंप्लीटनेस और ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। अगर ना हो तो मे बी देर इज़ अ चांस कि गलत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाए। उसके बाद है व्हाट, यानी मटेरियल क्या है जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा हमें फोकस करना है कि जब भी हम कंप्लीटनेस इन जो है वो राइटिंग में देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिकली कवर कर रही हो। और ये बहुत सिंपल सा थंब रूल है कि अगर हम इन इन 5ों को कवर कर लें तो इसका मतलब है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, प्लीज़ फैक्स मी इन ब्रिटेन द डिपार्चर्स फ्रॉम सिंगापुर टू हांगकांग ऑन 8th। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो बेसिकली क्या है, अगर आप खुद भी गौर करें कि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हो, प्लीज़ फैक्स मी इन रिटर्न द डिपार्चर्स फ्रॉम सिंगापुर टू हांगकांग ऑन 8th। अब जो टाइम, फॉर एग्जांपल आप जब टिकट करवाने जाते हैं और स्पेशली जब इंटरनेशनली आप ट्रेवल करते हैं,
सो आपको डे, आपको टाइम, आपको एयरलाइन, आपको रूट, कॉस्ट और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। और डेफिनेटली जब आप किसी से ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आप डिमांड करेंगे तो वो भी आपको हाफ इन्फॉर्मेशन ही दे सकता है, उसके पास भी फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या वो डेफिनेटली अपनी अजम्पशंस की जो है वो बेस के ऊपर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसी तरह आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है, और वो सेकंड एग्जांपल है, हाउ कम माय रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू लेटर डिड नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स। कुछ जनरल अगर मैं ईमेल करता हूँ किसी को इंक्वायरी के लिए, कि मैं ये कहता हूँ कि जो फलां लेटर जो मैंने भेजा था उसका जो है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जो रिसीव करना आएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जनरली ये होगा कि दे हैव द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको सही तरह से रिप्लाई नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये भी होता है कि जब भी हम ईमेल्स स्पेशली टाइप कर रहे होते हैं तो हमें लेटर का रेफरेंस लाजमी देना होता है, क्योंकि एक आप देखते हैं कि जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे के दिखाऊं कि आपने सॉरी बहुत सारे आपने इस तरह के लेटर देखे होंगे। तो उनके लेफ्ट मोस्ट साइड पे या मेमोज में एक रेफ नंबर लिखा होता है। अब रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, कोई ऑफिस है बेसिकली, तो वहाँ से अब ये हो रहा है कि देर आर नंबर ऑफ लेटर्स डेट हैज बीन डिलीवरिंग इन वेरियस टू वेरियस पीपल्स फॉर वेरियस पर्पजेस। तो हाउ यू कैन फाइंड योर लेटर, एग्जैक्ट लेटर, सो दिस इज़ द रेफरेंस नंबर जो आपको ऐड करना पड़ता है। और स्पेशली ये ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जहाँ पे आप कंपनी टू कंपनी कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और क्योंकि लेटर का जो रेफरेंस होता है आप उसी से ही जो है वो अपनी प्रीवियस डिस्कशन निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर लिखने जा रहे हैं तो हर कंपनी का अपना स्टाइल होता है, और फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसमें वेरियस डिपार्टमेंट हैं, और मैं ये कहता हूँ ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ ये अब एचआर की तरफ से लिख रहा हूँ, तो ये जो एचआर ये उनका एक वो हो जाता है कि ये जिस लेटर के शुरू में एचआर आ गया तो ये लेटर बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, फिर आ जाता है स्लैश। अब एचआर यानी जो देखने वाला होगा वो समझ जाएगा अब ये लेटर कहाँ से है, एचआर से है। एचआर के बाद उसके दरम्यान में जो है वो कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर मे बी जो है वो लेटर नंबर हो सकता है, हो सकता है मेरा उस डिपार्टमेंट के साथ पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हो तो मैं 001 लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मे बी मेरे पास जो टोटल लेटर्स हैं या जो टोटल मेमोज लिख रहे निकले हैं तो उनका भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो है वो ऑफिस के अंदर ये जो आज का मेमो निकला था ये मेमो नंबर इस साल का मेमो नंबर 72 था, तो ये एक और रेफरेंस आ गया। इसी तरह फिर जो एंड पे जिसको मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ यानी एचआर टू मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट को करना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे मैक लिख दिया। अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा कि जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन किसी को सर्च आउट करने को कहेंगे तो इट विल बी मोर देन ईजी। तो आपको ना स्पेसिफिकली कोई नाम बताने की ज़रूरत है ना कुछ और आपको करने, सिर्फ आप रेफरेंस नंबर बता देंगे
और उसी रेफरेंस नंबर की बेस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और इसी तरह आप भी जब फर्दर आप अपने जब जॉब्स पे जाएंगे तो इस तरह के लेटर्स आपको देखने पड़ेंगे, और इवन यू हैव टू टाइप इट। रीज़न ये है कि जब आप इवन जो मार्केटिंग बेस्ड कंपनीज हैं या जो कंसल्टेंट बेस्ड कंपनीज हैं, वहाँ पे लेटर राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और लेटर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है बेसिकली। अगर जो है वो आपको इन चीज़ों का पता है तो आप इजीली उनको कैटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस की एक एग्जांपल है, एग्जांपल थी जिसको हमने देखा। तो ये 7 C's में आपका जो है वो फर्स्ट, ये आपका पार्ट था जो कि कंप्लीटनेस का था। सेकेंड हमारे पास है कंसाइजनेस, सेइंग व्हाट यू हैव टू से इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइंग द अदर क्वालिटीज। कंसाइजनेस ये होती है कि बेसिकली आप जो बात भी कहना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा इसको मैं इंटरलिंक करूं, अभी जो हम नेक्स्ट में बेसिकली डिलीवरी होगी आपकी प्रेजेंटेशन की, और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का नेक्स्ट वीक का डिलीवर करूंगा वो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन पे होगा। तो ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी डिपिक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कोई टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक पे वो अच्छी खासी रिसर्च करता है, तो क्या वो सब कुछ वो प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकता है? द आंसर इज नो। रीजन इज दैट कि जब वो सारी इंफॉर्मेशन तो हर कोई ले सकता है इंटरनेट सोर्स से या कहीं से भी, आपने उस इंफॉर्मेशन को कंसाइज करके किस तरह से डिलीवर करना है। जो प्रेजेंटेशंस का जो मेजर एक रोल है वो यही है कि यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग ऑन योर स्लाइड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट यू राइट और व्हाट यू नॉट हैव टू राइट। रीजन इज दैट यू ओनली स्पेसिफाइज योर बुलेट पॉइंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बुलेट पॉइंट्स यू बेसिकली कन्वे योर मैसेज। अब जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि वो जो है वो कम से कम वर्ड्स के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर लें, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये कम से कम वर्ड्स का भी ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो कंप्लीटनेस को भूल जाएं या अदर जो आपके पास अभी क्वालिटीज ऑफ सी देखेंगे उनको भूल जाएं, वो भी मस्ट हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ कि विदाउट सेक्रीफाइंग द अदर क्वालिटीज। कुछ गाइडलाइंस हैं, एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस वन एवर यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट और अ लेटर अ मेमो, तो उसको एक दफ़ा आपने रिवाइज ज़रूर करना है। अगर बड़ी रिपोर्ट है तो उसको आप मे बी आप किसी और को भी दे सकते हैं कि वो इसको एक दफ़ा रिविजिट कर लें। रीज़न ये होता है कि समटाइम आपने जो है वो बहुत छोटी सी बात थी लेकिन उसके लिए आपने पूरी लाइन यूटिलाइज कर ली है। तो अच्छी बात तो ये है ना कि आप उसको बड़ा कंसाइजली लिखने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है वो आप उसको पूरी तरह से अपनी बात भी कन्वे करें। तो ये आप जो वर्डी यानी जिसको हम वर्डीनेस भी कहते हैं, यानी स्पेसिफिकली आपने जो है वो ऐसे वर्ड जो शायद उसमें नहीं, उसके बगैर काम हो सकता था, आपने ऐड किए हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पेशली फॉर द रीडर्स। तो इसी वजह से हमने स्टार्ट में कहा था कि ऑडियंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है।
उसके बाद है इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल. इररेलेवेंट मटेरियल समटाइम्स आपकी जो डॉक्यूमेंट का साइज है उसको भी ज़्यादा बढ़ाता है, और स्पेशली जब आप हार्ड कॉपी में डील कर रहे हैं या सॉफ्ट कॉपी में डील कर रहे हैं, तो इररेलेवेंट मटेरियल अगर आपने अटैच किया हुआ है तो वो एक जो ऑडियंस है उस पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है कि मे बी दीज रिपोर्ट्स आर नॉट प्रॉपरली रिटन, और जो प्रॉपर रिसर्च है इसके पीछे वो मौजूद नहीं है. रिपीटिशन को अवॉइड करें, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन. व्हेन वी आर राइटिंग एनी रिपोर्ट तो हमसे ये हो जाता है कि हम क्योंकि हम लिख रहे होते हैं उस वक्त हमें नहीं पता होता, तो हम रिपीट कर जाते हैं बहुत सारी बातों को. तो इसी वजह से जो एक रिवीजन जो हमने अपनी राइटिंग स्टेज के अंदर देखा था, जिसके अंदर प्री राइटिंग था, राइटिंग फिर और पोस्ट राइटिंग था, तो ये वो चीज़ हमें यहाँ पे हेल्प आउट करती है कि किस तरह से हम इसको देखें और जो है वो हम मजीद उसको जो अपने सेंटेंसेस हैं उनको हम कंसाइज कर सकें. रीजन इज डैट के रिपीटिशन जो है वो एक बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती, चाहे वो रिपोर्ट के अंदर हो और चाहे वो आपकी मेमोज या लेटर के अंदर हो. और रिमेम्बर, अगर आपको एक हैबिट डेवलप हो गई है अपना डॉक्यूमेंट रीड करने की, उसके अंदर से मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने की, या आप उसको किसी और से आप उसको वो करवाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस है. और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन ये जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ है और जो आपकी बात होगी वो बड़ी प्रिसाइज रहेगी, और सेम ये आपको प्रेजेंटेशन के अंदर भी हेल्प आउट करेगी. कंसाइजनेस चेकलिस्ट, यूज वन वर्ड इन प्लेस ऑफ फ्रेजेस, वन सेंटेंसेस इन प्लेस ऑफ टू, रीड आउट लाउड टू लिसन फॉर वर्डिनेस. ये कुछ आपको एक सजेशंस हैं कि आप फ्रेजेस की जगह एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स हैं जो उस तमाम फ्रेज को कवर कर लें. दो सेंटेंसेस को आप कंबाइन करके एक में लिख सकते हैं. तो इट्स अब ऑल अबाउट द राइटिंग स्ट्रेटेजी. ओमिट आउटडेटेड एक्सप्रेशंस, आस्क योर सेल्फ व्हाट मटेरियल इज रियली रेलिवेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. समटाइम ऐसा होता है कि आप एक जो है वो काम कर रहे हैं और आपने बहुत सारा मटेरियल ऐड कर दिया, तो आप अपने कोलीग से या अपने बॉस से जिससे आप फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी है, तो उनको ये बता सकते हैं कि ये सारा मटेरियल मैंने ऐड किया है और इसमें से आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. लुक फॉर अननेसेसरी रिपीटेशन, डज द सेम वर्ड और आइडिया अपेयर टू ऑफन. अब ये केस आपके पास प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली इन स्टूडेंट्स. रीजन ये होता है कि जब आपका वो आपके टॉपिक के ऊपर आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो आप तैयार नहीं है, तो आप फिर चीज़ों को रिपीट डाउन करते हैं. रिपीटनेस शायद वो क्लास में तो टीचर्स इस वजह से करते हो कि ताकि एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो ताकि उसको कन्वे हो, उसको रिपीट हो, वहाँ तक तो ठीक है. लेकिन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग इन ऑफिसेस, और आप किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन में ये काम कर रहे हैं, तो मे बी वहाँ पे ये उतना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो ना डाल सके. तो रिपीटेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट वी हैव द कंसाइजनेस. उसकी एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल द इशू ऑफ मोस्ट रेलिवेंस इज टीम वर्क. इसको आप जो है वो सेंटेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, द मोस्ट रेलिवेंट इशू इज टीम वर्क. इसी तरह है द रिपोर्ट्स आर टू बी सबमिटेड बाय एम्प्लॉयज प्रायर टू 5, एट विच टाइम दे विल बी रिसीव्ड बाय मिस्टर जॉन. तो
तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, प्लीज सबमिट योर रिपोर्ट्स टू मिस्टर जॉन बाय 5। अगेन ये कोई जो है वो आप जब राइटिंग के अंदर आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप ये चीज़ें जो है वो खुद अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये इफ़ यू कीप राइटिंग लेटर्स मेमोज, और जब प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और इवन फॉर योर जॉब हंटिंग जब आप कवर लेटर जो है वो लिख रहे होंगे तो उसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा आपको चीज़ हेल्प आउट करेगी। तो जो कंसाइजनेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी तक हमने इस पार्ट ऑफ लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का, और उसके बाद जो है वो हमने उसकी जो बेसिक स्ट्रेटजीज थी उसको फोकस ऑन किया कि कंप्लीटनेस और स्पेशली कंसाइजनेस के ऊपर, कि ये जो दो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन के वो क्या थे, विद एग्जांपल्स देखा हमने। और रिमेम्बर, ये सिर्फ आपकी रिटन कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दिस इज ऑल फॉर योर वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो, और इवन इन योर प्रेजेंटेशन जो आपका भी आगे असाइनमेंट भी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है, और डिफरेंट वेज हैं, आप इनको लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं, आप इनको अपने पास एड डाउन भी कर सकते हैं। और जब एक दो दफ़ा ये प्रैक्टिस में आ गई तो ये नेचुरली आपके अंदर ये हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, और जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके आएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ 7 C's ऑफ लेक्चर। आई विल अपलोड द पार्ट टू ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ 5 अदर ट्रेड्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।